बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम बहुत मज़े का आलू कीमा। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, हाफ के जी तकरीबन बीफ का कीमा जाएगा, और इसके साथ एक प्याज कर लें, लार्ज प्याज काट लें इस तरह। दो टमाटर काट लें, छिलका उतार लें इसका, और दो बड़े आलू डालेंगे इस तरह। आप इसके छोटे छोटे पीसेस काट लें, चार हिस्सों में करके, और छोटे पीस काट लें। और इसके साथ अदरक और लहसुन जाएगा एक एक टेबलस्पून, टेबलस्पून भर के अदरक का, टेबलस्पून लहसुन का, और एक टेबलस्पून भर के टमाटो प्यूरी का। मैं टमाटो सॉस ले लें, और हरा धनिया, हरी मिर्चें गार्निश के लिए जाएंगी। और इसके बाद गर्म मसाला जाएगा हाफ टी स्पून, ये हम एंड पे डालेंगे जब पक जाएगा। एक टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1.5 टी स्पून सॉल्ट है, सूखा धनिया है हाफ टी स्पून, और ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून। चलें हम स्टार्ट करते हैं। पैन चढ़ा लिया हमने चूल्हे पे, हाफ कप ऑयल डालेंगे, फिर हम प्याज जो काटा था वो डालेंगे, प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करके इसमें अदरक लहसुन डालते हैं। प्याज हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी देर हम सॉटे करेंगे, इसका कच्चा बन दूर हो जाए, अच्छी से खुशबू आ रही है इसकी। इसके अंदर टमाटर डालेंगे, मिर्चा वगैरह उतार लें, वरना मुझे सालन में आता है अच्छा नहीं लगता है। मिर्चा उतार के फिर डालते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक पकाते हैं। अपने ड्राई मसाले मसाले डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले ना। साथ में हम टमाटो प्यूरी डाल देंगे, मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून के इसको कवर करके थोड़ा सा अच्छा सा पकाते हैं। आप देख सकते हैं प्याज वगैरह घुल रहा है। कीमा डालेंगे इसके अंदर, आप बीफ या मटन का दोनों कीमा ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। मसाले के अंदर अच्छी तरह से भूनेंगे कीमा को, कीमा हमारा ऑलमोस्ट भून गया, तकरीबन 10 मिनट हमने हल्की आँच पे भून लिया है, अच्छा सा घी छोड़ रहा है। इसमें आलू डालेंगे, आलू अपनी मर्जी से कम ज़्यादा खा सकते हैं, जिसके लिए बच्चे खुश होकर खाते हैं, तो मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। इसको हम हल्की आँच पे भूनते रहेंगे और दम दे देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, पानी का छटा लगा के ना दम दे देंगे हम, तो उसमें अच्छे से हो जाएंगे। इसको भी टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी हो जाता है। हम भून लें कीमे को,
पाँच छः मिनट हो गया, आप देख सकते हैं इसके अच्छे से कलर भी चेंज हो गया है आलू का भी। इसमें हल्का सा छिटा लगा के पानी का, तो ढक्का बिल्कुल लोक यानी कि हम दम दे देंगे इसको। लो फ्लेम पे दम दे रहे हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, तकरीबन 20 मिनट हो गया, बस ग्रीन हो गया हमारा आलू कीमा। हमने एक दो दफ़ा बीच में हिला लिया था, आलू वगैरह बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, आप देख सकते हैं टूट जाते हैं थोड़ा सा दबाएं तो। इसमें हम सभी मिर्चें डालेंगे और सभी धनिया डालेंगे ऊपर, और गर्म मसाला एंड पर खुशबू के लिए। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हम दम पे रखते हैं, फिर डिश आउट करते हैं। रेडी हो गया हमारा आलू कीमा, डिश आउट करते हैं इसको।